नमस्कार दोस्तों, फिर से जोराने कॉक पांडा कॉक त्रिपुरा का जो असल में जो मौजूदा वक्त में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा को लेके पूरे हिंदुस्तान में जो अभी मौजूदा हालत है सीए को लेके या एनआरसी को लेके, तो हम आज बात करेंगे हमारे मेहमान बोडोलैंड से कुकराधार से आए हुए हैं एक्स एमपी संसुमा खोंगोर बैश्यमतरी जी, जो हमसे जो नॉर्थ ईस्ट का जो अभी हालत है और इंडिया का जो सीए को लेके जो हालत है मौजूदा समय में, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कॉक त्रिपुरा में। आपको स्वागत है सर। खुलम का स्वागत है आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुलम भाई, खुलम का सर, पहले ये बताइए जो सीए को लेके जो अभी डिमांड हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट को एग्जाम करने का जो डिमांड हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्ट्री रहा है, बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ त्रिपुरा और असम मेघालय जो बॉर्डर एरिया है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टेड नहीं किया, लेकिन पीएल जो इनर लाइन पाए आईपीएल जो मिजोरम बांग्लादेश के साथ कोई बॉर्डर ताल्लुक नहीं है, अरुणाचल नहीं है, नागालैंड बांग्लादेश का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बांग्लादेश की जो इलीगल इमाइग्रेंट के जो इफेक्टेड एरिया है वो है असम मेघालय और त्रिपुरा। इस तीनों स्टेट का अभी तो रवैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया है वो लागू होने वाला एक्ट तो करीब करीब बन ही गया है सीए का, इसको और रोक पाना मुश्किल और नामुमकिन भी लगता है लोगों को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो डिक्लेयर कर दिया कि इसको रोकना, और अभी बाकायदा अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर वो घर घर में जाके इसके प्रचार भी कर रहे हैं कि आप सीए को मानो। इस हालत में नॉर्थ ईस्ट का, असम का और त्रिपुरा का जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है माइग्रेंट का, तो आपको क्या लगता है यहाँ का लोगों को पॉलिटिकल डिमांड या कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले मैं सब भाषा में सी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जो 2019 साल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया, जिस कानून को हमारे देश का राष्ट्रपति साहब ने भी वृद्धि एसेंट किया, ये एक बहुत गंभीर मामला है। मैं बोलूँगा ये कानून एक अंधा कानून है, इट इज़ ए वेरी वेरी डेंजरस draconian law and very very detrimental to the overall interest of the indigenous as well as aboriginal, both tribals and non-tribal people of entire our northeastern region, particularly of our Assam state and of your Tripura and of Meghalaya and other states of our northeastern region. इस कानून को अगर ज़बरदस्ती से हमारे उत्तर पूर्वांचल में जितने प्रदेश है, खासकर असम मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में, तो इन तीन राज्यों में जितने आदिम जाति के लोग हैं जिनको अंग्रेजी में इंडिजीनियस यानी एवरिजिनल बोला जाती है, इन लोगों का जो एग्जिस्टेंस सर्वाइवल वो खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान के जमीन से निशिन्न हो जाएगा, साफ साफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अमेरिकन सरकार ने पुराने जमाने में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जिस ढंग से हाइड्रोजन एटम बम गिरे था, उसी मुताबिक वियतनाम लड़ाई में अमेरिका ने जिस तरह से नापाम नाम के एक बम को गिराया था, ये तीन
प्रकार के जो बम है, बम के मुताबिक ये कानून है, राजनीतिक बम है, तो इसका मतलब है कि हमारे उत्तर पूर्वांचल में जितना आदिम जाति के लोग हैं, जिनका अपना अपना भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, रहन सहन है, ये सारे खत्म हो जाएगा और खत्म करने का ही मतलब है। इसलिए मैं इस सबसे भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के बाकी पश्चिम प्रांत में हिस्से में क्या करना चाहते हैं सरकार, बस करो, लेकिन इस अंधा कानून को, इस ड्रेकोनियन ब्लैक लॉ को हमारे उत्तर पूर्वांचल में मोट लागू करो। खासकर आज त्रिपुरा की हालत क्या हुआ, सारे दुनिया को मालूम होगा, जो शोषित लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, स्वराज के दो साल के बाद 1949 के 15 अक्टूबर में हमारे उसी टाइम के महाराजा और महारानी ने त्रिपुरा जो फ्रेंचली स्टेट थी उसको भारत सरकार स्वराज भारत के साथ एक समझौता करके संलग्न कर दिया गया, मार्च हो गया। आज 70 साल 3 महीने 23 दिन हो गया आज तक, ये 70 साल 3 महीने 23 दिन में के अंदर में हमारे यहाँ के त्रिपुरा के त्रिपुरी जो आदिम जाति लोग, त्रिपुरी कॉक बोरक पीपल, यहाँ कम से कम कल हमने एक म्यूजियम देखा 30 संख्या के आदिम जाति के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं। इनका अवधि 1951 का जो पॉपुलेशन सेंसस उसमें तकरीबन 50% से ज़्यादा था। आज 70 साल के बाद क्या हुआ, कहा 50% से अबव ऊपर, आज कम से कम 20% तक पहुंच गया। और यहाँ के ट्राइबल लोगों का जितना जमीन जायदाद सारे बांग्लादेशी लोगों के हाथ में चला गया। ऐसा होते होते क्या हुआ, हमारा स्वयं का कमती हो गया, जिसके कारण से क्या हुआ, आज त्रिपुरी कॉक बोरक भाषा को स्कूलों में, कॉलेजों में, खासकर स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने का जो मौका मिलना था, आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 सब क्लास 1 के प्रावधान के मुताबिक शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने का मौका मिलना था यहाँ के बाल बच्चे। लेकिन सरकार का क्या है आर्गुमेंट, त्रिपुरी लोगों का आबादी कमती हो गया, इसीलिए जहाँ जहाँ जिन जिन स्कूल में त्रिपुरी छात्र छात्राओं का संख्या कमती हो गया, ऐसे स्कूलों में इसको पढ़ाई नहीं जा सकते हैं, परमिशन नहीं दिया जा सकता है, यह है सरकार का आर्गुमेंट। वही हमारे आसाम का भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको चालू करना था, त्रिपुरी भाषा को, फोक गोरख भाषा को, यह त्रिपुरा राज्यों में उसको नहीं किया। आज त्रिपुरा प्रदेश में 20 असेंबली क्षेत्र रिजर्व है ट्राइबल लोगों के लिए। कल जाते जाते भारी संख्या के जो डाउटफुल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इनको अगर यह नागरिकत्व देकर रहने के लिए अगर मौका दिया जाए, सुविधा दिया जाए, तो ये दो 20 असेंबली सेगमेंट जो रिजर्व है कितना साल टिकेगा, एक पार्लियामेंट्री सीट वो भी कल रिजर्व हो जाएगा। हमारे असम में भी वही हालत है। और एक हमारे उत्तर पूर्वांचल खासकर ट्राइबल लोगों को धोखेबाज करने के लिए भारत सरकार अमित शाह साहब और मोदी साहब बोल रहे एक जुथावत के उत्तर पूर्वांचल में जहाँ जहाँ आईपीएल सिस्टम चल रहा है, उन राज्यों में ये खा को लागू नहीं किया जाएगा। जहाँ आईपीएल नहीं है
वह ज़बरदस्ती बस लागू करना चाहते हैं। और मणिपुर भी प्रिंसली स्टेट था, मणिपुर वॉज ऑल्सो प्रिंसली स्टेट, दैट स्टेट वॉज ऑल्सो मार्च विथ फ्री इंडिया ओनली इन 1949। आज मणिपुरी लोगों का जो दम, उससे डर गए ना क्या हुआ पता नहीं है। भारत सरकार ने बोला कि मणिपुर को हम आईपीएल सिस्टम में लाएगा, तो असम को क्यों नहीं लाएगा, त्रिपुरा को क्यों नहीं लाएगा, मेघालय को क्यों नहीं लाया। तो मेरा मांग है उत्तर पूर्वांचल के तमाम हमारे आदिम जाति इंडिजिनस ट्राइबल लोगों का होकर भी भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आसाम में भी, त्रिपुरा में भी और मेघालय में भी इनर लाइन परमिट सिस्टम को जो कानून है उसको लागू करना है। और एक बात बोल रहे हैं उन लोग, वो भी ढके पास है कि उत्तर पूर्वांचल में आज तक 10 ऑटोनोमस काउंसिल है, 10 सिक्सल एरियाज है इंक्लूडिंग त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हमारे आसाम में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग और उत्तर कासर नॉर्थ कासर हिल और दिमा हसाओ, सारे ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एलेका, इन एलेका में का का प्रयोग नहीं होगा, लागू नहीं करेगा। और झूठी बात है क्योंकि आज तो त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आउट ऑफ टोटल त्रिपुरा का टोटल एरिया है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, टीटीए एडीसी में है 7,000। ये 7,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन के अंदर में 2-3 साल 5-6 लाख बांग्लादेशी लोग ऑलरेडी घुस गया, तो कल क्या बोलेगा इन लोग जो हम भी बांग्लादेश से आए हुए हैं, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह आना पड़ा, इसलिए हमको ये चिटी एडीसी के अंदर में रहने से भी हमको भी देना चाहिए। प्रैक्टिकल में क्या होगा वह भी लागू होगा जरूर आखिर में, उसी मुताबिक हमारे बोडोलैंड एरिया में भी वो उसका लागू होगा प्रैक्टिकल फील्ड में, कार्बिंग लागू होगा, एनसीएल लागू होगा और उत्तर पूर्वांचल में जहाँ से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया है इलाका है वह भी लागू होगा जरूर। अगर ये खा यानी खेप कानून में ड्राफ्टिंग में अगर ये बात लिखा होता तो साफ साफ कि सिक्स दल एरिया में जितने घुसपैठ ऑलरेडी हो चुका है ऐसे लोगों को हम सिक्स दल एरिया से उठा करके हिंदुस्तान के बाहर प्रदेश में हम बैठाएंगे, अगर ऐसे प्रावधान होता तो बस ठीक था, हमारे किसी से डरने का कोई मतलब नहीं था, क्यों नहीं लिखा। अगर दिल दिमाग साफ साफ है भारत सरकार का था तो इस प्रावधान को वह भरना था, इंक्लूड करना था। तो इसका मतलब है आखिर में जाते जाते कुछ साल के बाद हमारा शिक्षा दल एरिया में भी इस खा को, इस अन्याय कानून को जरूर लागू करेगा, प्रयोग करेगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा मांग है जे अति जल्दी ही जल्दी भारत सरकार घोषणा करे, चाहे तो उसको स्क्रैप करो टोटली इन टोटो इन टोटलिटी फॉर द होल कंट्री, नहीं तो हमारे उत्तर पूर्वांचल में इस खा को लागू नहीं किया जाएगा बोल के एक स्टेटमेंट डालो, एमेंडमेंट लाओ दोहरा से। वो तो नहीं लाएगा, वो तो नहीं लाएगा तो आप... लेकिन हमारा भी उपाय नहीं है, आखिर दम तक जब तक हमारा जान प्राण रहेगा तब तक लड़ाई जारी करते रहना पड़ेगा। नहीं
वही बात कर रहा हूँ मैं, असम में भी अभी जो इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो रैली वगैरह है इसके खिलाफ, और त्रिपुरा में भी थोड़ा सा कम होते देख रहा है लोगों के बीच में इसको लेके, और सरकार की तरफ से भी इसको कैब को एक्सेप्ट करने का जो तरह तरह के उनके जो एजेंसी है इसको काम में लगा रहे, इसमें आपका ऑप्शन क्या बचा? सरकार तो करेगा ही करेगा, कोई ऑप्शन उन लोग बाकी नहीं रखेगा, लेकिन हम तो जिना ही पड़ेगा हमको तो इसीलिए हमारा मांग है त्रिपुरी कोकपुर लोगों की सुरक्षा के लिए तो एक त्रिपुरी लैंड जल्दी जल्दी सृष्टि करके देना चाहिए, गठन करके देना चाहिए, और उसी में उतरेगा हमारा बोडो लोगों को भी, बोडोलैंड अलग प्रदेश जल्दी जल्दी बनाकर देना चाहिए। और जब तक सरकार इसके ऊपर दोबारा से नहीं ससेगा संशोधन लाने के लिए, तब तक हमारा संविधान तो चलते जाना ही पड़ेगा, जारी रखना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि यहाँ त्रिपुरा में त्रिपुरा लैंड जो मांग कर रहे हैं, त्रिपुरा लैंड होने से ये सीए का मामला भी सुलझ जाएगा, या आपका बॉर्डर लैंड सेपरेट स्टेट होने से इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि? नहीं, ये जो विदेशी का जो मामला है, प्रमोशन का मामला है, इससे टोटली समाधान होने का रास्ता नहीं है। रास्ता है ये सीए को हमारे उत्तर पूर्वांचल में किसी एक प्रदेश में लागू नहीं करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। जैसे आज मिजोरम को, नागालैंड को और अरुणाचल प्रदेश को एग्जाम किया गया, दिया एग्जामिशन दिया गया, तो असम को क्यों नहीं दे सकते, त्रिपुरा को क्यों नहीं दे सकते, मेघालय को नहीं दे सकते? इन लोग क्या कसूर किया? वही दर डबल स्टैंडर्ड, सेम जस्टिस, सेम काइंड ऑफ जस्टिस हैज़ टू बी ग्रांटेड अकॉर्डेड टू द पीपल ऑफ असम, टू द पीपल ऑफ त्रिपुरा, टू द पीपल ऑफ मेघालय ऑल्सो। दो नंबर क्या है कानून में, पॉलिसी में? आज देखिए, इस कानून को अंधा कानून बोल के सारे हिंदुस्तान में टोटल 11 प्रदेश के लोग आज विरोध कर रहे, संग्राम कर, आंदोलन कर रहे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड थ्रू द पासेज ऑफ दिस ब्लैक लॉ, ड्रेकोनियन लॉ, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स हैव बीन थ्रेटन्ड, हैव बीन डिस्कार्डेड। भारत का जो पवित्र संविधान, उसके ऊपर बहुत बड़ा सा आघात दिया गया। इट इज़ ए वेरी डेंजरस काइंड ऑफ ब्लो एंड हिट अपॉन द सेक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, सिर्फ और सेक्युलरिज्म। देखिए, हमारा जितना भाषा, संस्कृति, हमारा लेवलीहुड, हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये वगैरह वगैरह जमीन जायदाद को रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान के जो भारत संविधान, उसमें विभिन्न आर्टिकल में जितना प्रावधान लिखा हुआ, ये सारे बर्बाद होने जा रहा है। लैंग्वेज के और रिजर्वेशन का आर्टिकल 330 सेज दैट ट्राइबल लोगों को लोकसभा में रिजर्वेशन दिया जाए। आर्टिकल 332 के मुताबिक असेंबली में सीट रिजर्वेशन दिया जाए। जब हमारा ट्राइबल का पॉपुलेशन अवधि कम घटते जाएगा, तो आखिर में क्या होगा? एक भी सीट नहीं रहेगा। दे वॉन्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, व्हाट आई डू फील, उन लोग इसको ही सहा रहा है, इसको ही कराने जा रहा है, बहुत तकलीफ की बात है। अभी आपका आसाम में और जो आपके बोल रहे हैं जी बोडोलैंड की उस तरफ, किसको, किस मांग को लेके अभी आंदोलन हो रहा है, या बोडोलैंड सेपरेट स्टेट करके दो, ये मांग ज़्यादा हो रहा है, या सीए को टोटल स्क्रैप करने के लिए मांग ज़्यादा हो रहा है? हमारा बोडोलैंड एरिया में सीए को लेकर के इतना घमासान आंदोलन नहीं हुआ। अच्छा। शिक्षक दल के बाहर जो एरिया है उसमें ज़्यादा हुआ। अभी मैं मैसेज कर रहा हूँ कि ये सीए तो हमारे लिए भी बहुत डेंजरस है, इसलिए यहाँ से वापस जाकर मैं हमारे लोगों को मैं समझाऊंगा कि त्रिपुरा की हालत में ही अपना दो आंखों से जो देखा, जो पिक्चर देखा, जो सिचुएशन समझा, उसको हम बताएंगे क्या? और वहाँ पे गणतांत्रिक संग्राम को शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज बोल रहे हैं
मोदी सरकार कि शिक्षा दल एरिया में इस प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा, वो तो झूठा वादा है। आखिर में हम भी विक्टिमाइज होने जा रहा है। आज देखिए हमारा असम में स्वराज के बाद 1947 से ही शुरू करके 1980 तक टोटल 54 नंबर्स ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लॉक्स प्रोटेक्टेड एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरियाज किया गया था। वह ट्राइबल के बगैर कोई नॉन ट्राइबल लोग नहीं घुस सकता है, जमीन माटी बारी हाँ जायदाद नहीं खरीद सकते, बसोबस नहीं कर सकता है। आज ये 54 नंबर जो ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लॉक खत्म होने जा रहा है। रिसेंटली हमारे गुवाहाटी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जितने घुसपैठ हुआ अनऑथोराइज पीपुल इन लोगों को ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक से बस हटाना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? सरकार तो नहीं करेगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमको सेपरेट बदोलन प्रदेश मिल जाएगा तो हमारा सरकार जरूर करेगा, करना ही पड़ेगा, ये सरकार नहीं करेगा। ये बताइए त्रिपुरा में जो अभी सरकार है, मौजूदा सरकार बीजेपी और आईपीएफटी, सर आप तो आईपीएफटी से भी बहुत सारे ताल्लुक है, मेहबर कुमार जमातिया जी जो यहाँ का ट्रेवल वेलफेयर और फॉरेस्ट मिनिस्टर है, एनसी देवर्मा जो रिवेन्यू और फिशरी मिनिस्टर हैं, यहाँ सरकार ये मांग, सरकार सीए को लागू किया, सरकार एनआरसी को डिनाई करते हैं, वो बोल रहे हैं कि एनआरसी पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा, फिर सीए हो जाएगा। सरकार बोल रहे हैं कि त्रिपुरा में अलग से कोई त्रिपुरा लैंड होने नहीं देंगे और नया कोई स्टेट और इंडिया में नहीं बनेगा, फिर भी आईपीएफटी से आईपीएफटी बीजेपी के साथ सरकार में बैठा है। कल खुमुलुंग में जाके प्रोटेस्ट भी कर रहा है सीए के खिलाफ, सरकार के साथ भी बैठ रही, या ये कैसे मामला है, ये क्या स्थिति है, आप थोड़ा बताइए आपको क्या लग रहा है, ये क्या बैलेंस है, इम्बैलेंस क्या? वो मिस्टर मेबर कुमार जमातिया और एनसी वर्मा और वर्तमान आईपीएफटी का जितना लीडर है और बाकी रीजनल पार्टी जितना लीडर है, वो मेरा पुराना दोस्त है। तो सरकार के साथ बीजेपी के साथ कि सरकार में हिस्सा लिया वो उनकी पार्टी का बात है, लेकिन मेरा सुझाव होगा हाँ ऑनेस्टली कि जिस काम को सरकार करने जा रहे हैं, जिस पॉलिसी के बजाय से हमारे यहाँ का त्रिपुरी कोकबुरुक इंडिजन लोगों का हानि होगा, उसमें जरूर उन लोग हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ऐसा पॉलिसी में अगर अपनाते हैं सरकार तो उसके विरोध में, उसके खिलाफ में इन लोग लड़ना पड़ेगा, लड़ना उसी है। कल भी हम उन लोगों का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वह हिस्सा लिया, तीन मुद्दे को लेकर वो प्रोग्राम था, एक है एनआरसी यहाँ शुरू करना है और दूसरा है सीए को यहाँ से निकाल देना है, एग्जाम देना है, एक है त्रिपुरा लैंड की डिमांड को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। अगर सरकार बोलना चाहते हैं कि आप लोगों को त्रिपुरा लैंड हम नहीं देने वाला है, तो ऐसा भी काम कर सकते है कि नहीं सरकार, कि जितना यहाँ नॉन ट्राइबल लोग आए हुए हैं, इन लोगों को दूसरे प्रांत में प्रदेश में सबको उठा ले जा करके हाँ वह बैठा सकता है कि नहीं, ताकि यहाँ के इंडिजिनस लोग मेजोरिटी बन जाए दोबारा से और त्रिपुरा को बस उन लोग ही राज कर सके आराम से। कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू दैट? नहीं, पर ऐसे तो करने वाला नहीं, नहीं नहीं करेगा, इसीलिए त्रिपुरा लैंड तो इसे मस्त। नहीं, त्रिपुरा लैंड तो अभी मांग रहा है, लेकिन खुमुलुंग में जाके सिर्फ मांगने से गवर्नमेंट तो बोल रही त्रिपुरा लैंड हम नहीं देंगे। मेरा सरकार के साथ मेरा आग्रह है, मैं अपील किया हमारी त्रिपुरा में जितने छोटे मोटे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन चाहे चाहे वो पार्टी हो नॉन पार्टी हो, एकता में आना चाहिए। They should come into a grand unity and solidarity so that they can mount tremendous pressure democratically upon the government of India to concede the much long awaited separate state of Tripura land and to get all the illegal immigrants detected and deported to some other states.
ट्रिपलैंड के सब्स्टिट्यूट में आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जितनी भी इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट डिटेक और डिपोर्ट किया जाए तो ट्रिपलैंड का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अगर त्रिपुरी लोग मेजोरिटी बन जाए तो सारे पुराना त्रिपुरा को अगर शासन करने का राज करने का मौका मिल जाए तो बढ़िया एक ऑल्टरनेट रास्ता निकलता है, लेकिन उसको सरकार कदापि नहीं करेगा। इसीलिए द क्वेश्चन द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट त्रिपुरालैंड हैज बिकम ए मस्ट, इट इज द नीड ऑफ द आवर। तो अभी आपको क्या लगता है, आईपीएफटी को बीजेपी के साथ सरकार में बैठे रहना चाहिए ना, ऐसे ही बैठे बैठे रहे कि डिमांड करना चाहिए? हम बोलने से भी उन लोग नहीं मानेगा, वो तो उन लोगों का पार्टी का पॉलिसी है, इंटरनल मैटर है। आपको क्या लगता? मैं इंडिविजुअल दोस्त है इसलिए उन लोगों से मिलता हूँ। हाँ, तो मेरा सुझाव तो हमने बोल चुका कि सरकार अगर हमारे इंडिजिनस त्रिपुरी कोकबोरोक लोगों के खिलाफ में, इंटरेस्ट के खिलाफ में अगर काम करते जाएगा, पॉलिसी अपनाते जाएंगे, तो इसे सरकार के साथ बात में रहने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अच्छा सर, ये बताइए, दिस विल डिपेंड अपॉन देयर इंडिविजुअल माइंडसेट एंड देयर ऑनेस्टी एंड पॉलिटिकल विजडम एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू देयर ओन पीपल। सर, ये बताइए कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट की, अब मेघालय, आसाम और त्रिपुरा की जो मौजूदा हालत में जी को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसा कोई कॉलिशन, ऐसा कोई फोरम ऐसा बने कि सी ए के अगेंस्ट में पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो जो इसको स्क्रैप करने के लिए मांग हो रहे हैं उन लोग इकट्ठा होकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में आंदोलन करें, ऐसा कुछ बातचीत हो रहा है, हो पा रहे? मेरा एक सुझाव है सारे उत्तर पूर्वांचल के लोगों के लिए, खासकर हमारे जितना मंगोलियन ओरिजिन लोग हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महीने के अंदर में अगर संभव है तो ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया मंगोलियन ओरिजिन इंडिजिनियस एंड एबोरिजिनल पीपल्स कॉन्फेडरेशन और कॉन्फ्रेंस, ये सब अपनी एक संस्था बनाकर गणतांत्रिक संग्राम शुरू करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। और यहाँ का जो महाराजा साहब ने भी मेरे को बुलाया था, इसलिए मैं इधर आ गया। कल सुबह बहुत दिल से बातचीत हुआ, तो उनका एक विचार है कि सारे हिंदुस्तान में जितने इंडिजिनस लोग हैं एकत्रित होकर के तो गणतांत्रिक ढंग से लड़ाई तो शुरू करते जाना पड़ेगा। वो बहुत तकलीफी बात कल मेरे को बताया कि जो एक जेल था, क्या नाम था, निहार ना क्या, निर्महल, एक बार मैंने भी खुद जाकर वहाँ विजिट किया था, बहुत बढ़िया एक एरिया है, वो तो हमारा त्रिपुरी लोगों का एक संपत्ति है, जायदाद है। तो त्रिपुरा हाईकोर्ट ने क्या किया, जबरदस्ती कुछ न कुछ क्या बुद्धि एकत्र किया, राजा को हरवाया, बहुत तकलीफ की बात है। तो यह आकर देखा जितना हमारा राजाओं ने इतने बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स पैलेसेस बनाया था, जहाँ हमारे राजा महाराजाओं का प्रतिमूर्ति होना था, वह नहीं देख पाया, दूसरा आदमी की मूर्ति स्टेज वगैरह हमको देखने मिला, बहुत तकलीफ की बात है। दैट मीन्स ए डेंजरस काइंड ऑफ एग्रेशन ऑफ अदर्स अपॉन द कल्चर लैंग्वेज आइडेंटिटी एंड सिविलाइजेशन ऑफ द इंडिजिनस त्रिपुरी कोकबोरोक पीपल। अगर हिंदुस्तान सचमुच ही ए यूनाइटेड नेशन इन द मिड्स ऑफ डाइवर्सिटी, इस प्रिंसिपल को अगर सादर करते हैं, नमन करते हैं, तो वाई दी डिस्टिंग एथनिक आइडेंटिटी कल्चर लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन ऑफ त्रिपुरा, एंशियंट सिविलाइजेशन त्रिपुरा, त्रिपुरी पीपुल cannot get chance to survive, develop itself, where the government of India cannot take any initiative to promote the art and culture and language and civilization of the Tripuri people, not only Tripuri people, even the of the Bodo people, even the all the indigenous tribal people who enter North East India. Serious mamla hai.
सर एक बात मुझे पूछना था आपसे, आप बोडो पीपल जो आपके लैंग्वेज के डेवलप के लिए आपका तो एट शेड्यूल में भी प्रावधान हो गया है, उसमें जो आप देवनागरी जो स्क्रिप्ट अपनाया है उसमें बोडो का जो संस्कृतियाँ है आपका क्या कितने डेवलप हुआ है? त्रिपुरा में भी वो रोमान स्क्रिप्ट के अलावा अगर देवनागरी स्क्रिप्ट अगर एक्सेप्ट किया जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है या क्या वो कुछ बता पाएंगे आपका क्या प्रॉब्लम हुआ बा क्या? हमारा बोडो भाषा के लिए हमारा बोडो साहित्य सभा और हमारा बोडो लोगों ने भी रोमान स्क्रिप्ट के लिए तमाम संग्राम किया था। अच्छा। 15 लोगों का जान भी अच्छा। चला गया था, शहीद हुआ। लेकिन उसी टाइम इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने बोडो साहित्य सभा के लीडरों को एक सलाह दिया, अगर आप लोग देवनागरी स्क्रिप्ट को ग्रहण करें तो बोडो भाषा बोडो साहित्य के विकास के लिए प्रमोशन के लिए जितना संभव हम मदद करेंगे। उस भरोसा के ऊपर निर्भर करके बोडो साहित्य सभा ने उसको अपनाया। आज तकरीबन 30 साल बीत गया। तो देवनागरी जो अक्षर है उसको ले करके बहुत विभिन्न प्रकार के साहित्य का रचना हो चुका है। आज बोडो भाषा और बोडो साहित्य सभा डेवलपमेंट के एक उच्च स्तर में आ गया और हमारे बोडो भाषा ऑलरेडी 2003 में भारत संविधान के आठवीं अनुसूची में भी अंतर्भुक्त हुआ है। लेकिन एक बड़ी तकलीफ की बात हो गया कि हमारे बोडो भाषा भी भारत संविधान के एट शेड्यूल में इनलिस्ट होने के बावजूद भी आसाम राज्यों के स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक मर्यादा मिलना था, स्टेटस मिलना था, आज तक नहीं दिया गया। वो बड़ी तकलीफ की बात हो गया। और बोडो मीडियम एजुकेशन को जिस ढंग से प्रमोट करना था उसी मुताबिक प्रमोट नहीं करता है। तो ऐसे अभी क्या करने जा रहा आसाम सरकार, जिन जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं का संख्या कमती हो गया, एक दो तीन स्कूलों को इकट्ठा किया तो भारी संख्या के स्कूलों का बस डिसअपीयर होने जा रहा है, विनाश होने जा रहा है। ये खतरनाक एक कानून है, एक पॉलिसी है। वह देखिए पश्चिम बंगाल में भी हमारा बोडो लोगों का आबादी कम से कम 1 लाख होगा। तो वहाँ के बोडो बाल बच्चा भी अपना भाषा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का आर्गुमेंट क्या है, यू हैव बिकम ऑलरेडी माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी होने की वजह से हमारा भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उन लोग रिकॉग्निशन देना नहीं चाहते। अभी वॉलंटरली एक सब्जेक्ट लैंग्वेज के रूप में 20-25-30 स्कूलों में वो बोडो भाषा को इंट्रोड्यूस किया गया, बट नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए यह जो हो रहा है आसाम में भी हमारी हालत वही होने जा रहा है। एट शेड्यूल में इंक्लूशन होने के बावजूद भी यस। तो त्रिपुरा में यहाँ के जो त्रिपुरी लोग अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए देवनागरी? वो तो त्रिपुरी लोगों के सिद्धांत की बात है। इस सिलसिले में मैं मेरी तरफ से या कुछ सुझाव देना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मेरा एक विचार ये है कि त्रिपुरी खोक बोरो भाषा जो है वो भी हमारे ग्रेट जो बोडो भाषा बोडो फैमिली लिंग्विस्टिक फैमिली उसका एक हिस्सा है, एक कोग्नेट भाषा है। तो अगर बोडो भाषा के लिए जो जिस स्क्रिप्ट को अपनाया उसके वजह से कितना डेवलप हुआ नहीं हुआ उसको देखभाल करके सिद्धांत लेना चाहिए यहाँ के लोग भी। मैं नहीं बताऊंगा कि इस स्क्रिप्ट को अपनाओ इस स्क्रिप्ट को मत अपनाओ। हाँ, फ्रॉम टेक्निकल एडवांटेजियस पॉइंट ऑफ व्यूअर की
ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कॉक त्रिपुरा से बात की है और आप सीए के बारे में बताए और बोडो जो लैंग्वेज के बारे में भी बताया और आसाम का जो अभी इंडिजिनियस जो ट्राइबलों का सिचुएशन भी आपने हमको त्रिपुरा में जो कॉक त्रिपुरा देख रहे हैं उसको आपने अवगत कराया, इसलिए आपको बहुत बहुत आभारी आपका, थैंक यू। तो दोस्तों कॉक त्रिपुरा का जराने कॉक पांडा यह हम क्षमा करते हैं हमारे साथ थे जो डिस्कशन में आप संसुमा खोंगुर बाईसुमा तरी जो एक्स एमपी है कोकराझार वो बोडोलैंड का। तो हम सभी को दर्शकों को नमस्कार।